सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है वह जब से हल्का राजपुरा में सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी ने विधायक पद संभाला है उस दिन से ही लगातार विधायक जी द्वारा रोजाना किसी न किसी वार्ड में विकास कार्यों की शुरुआत करने का सिलसिला जारी है। इसी के चलते बीते दिन हल्का राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज अपनी टीम जिसमें ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री, ब्लॉक कांग्रेस देहाती के प्रधान बलदेव सिंह गद्दोमाजरा, PPCC सदस्य श्री भूपिंदर सैनी, नगर कौंसिल के उप प्रधान सरदार अमनदीप सिंह नागी, एडवोकेट राकेश मेहता व पार्षद राजीव डीसी के साथ पुराना राजपुरा के वार्ड नंबर 28 व वार्ड नंबर 2 में लगभग 40 लाख रुपए की लागत से बनाई जाने वाली सड़कों की शुरुआत करने पहुंचे। आइए आपको पहले ले चलते हैं वार्ड नंबर 28 में, जहां वार्ड की महिला पार्षद श्रीमती हरमीत कौर व उनके पति सरदार दलबीर सिंह सग्गू द्वारा अपने वार्ड में शुरू करवाई गई लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क का नींव पत्थर हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज से रखवाया गया। इस मौके पर सरदार दलबीर सिंह सग्गू द्वारा विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज का मुंह भी मीठा करवाया गया। इसके बाद वार्ड नंबर 2 में जहां PPCC सदस्य श्री भूपिंदर सैनी जी की अगुवाई में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनाई जाने वाली सड़क का भी नींव पत्थर हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने अपने कर कमलों से रखा। इस वार्ड में एक बात देखने को मिली, मौके पर पहुंचे हल्का विधायक को देखकर वार्ड निवासियों ने उन्हें लंबे समय से आ रही परेशानियों के बारे में अवगत करवाया, जिस पर सरदार हरदयाल सिंह कंबोज द्वारा मौके पर ही नगर कौंसिल के ME श्री शैलीराज को बुलाकर वार्ड निवासियों को आ रही परेशानियों को जल्द से जल्द हल करवाने के हुक्म जारी किए गए। विकास कार्यों के नींव पत्थर रखने के बाद News89 की टीम से विशेष तौर पर बात करते हुए हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ जी, आज वार्ड नंबर 28 दे जड़ियां कुछ स्ट्रीट्स रह गई थी, पहला किसे समय भी नहीं बन पाईया, उन्हां दी जड़ी शुरुआत की गई है लगभग 20 लाख रुपए का जड़ा काम है, यदि आज शुरुआत की है जड़ा जल्दी तो जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। मैं जिवें पहला वादा किया कि जिहड़े इलाकों के काम नहीं होया हुण तक उन्हां नूं पहल दी जाएगी। देखो कमेटी पहला BJP अकाली दल के हाथ से अते बहुत माड़ी दशा उन्होंने की हुई सी, उन्हां दा काम सी सिर्फ खाना, पर जिस दिन तो साढ़े हाथ च कमेटी आई आ ली है, जिस दिन उस दिन 1.5 लाख रुपया कमेटी दा कोल सी, अज मैं ये कह सकदा कि एडे वड्डे पैमाने ते डेली काम भी हो रहे आ, इहदे बावजूद भी साढ़े कोल जिहड़ी अज कमेटी दे कोल माली पोजिशन कोई बुरी नहीं है, चंगी है, 4 करोड़ रुपए के नेड़े कमेटी के कोल पिया, अते मेरी वध तो वध कोशिश होएगी कि वो एरिए इनकलूडिंग स्लम कलोनीज ते इधर पीने वाले पानी का सीवेज का रोड्स गली का रोड गलियां बना के बहुत वधिया तरीके दे नाल जिहड़ा है कम कार जिहड़े कराए जाणगे। सो मैं जिहड़ा ये शुरुआत की है मैनू खुशी है, कल ही महाराणी प्रनीत कौर जी राजपुरा विखे आए आ, मैं हुण कई पिंडां दे विच जा के आए हाँ, बड़ी खुशी की लहर आ पिंडां दे अंदर कि जिहड़ा कहिंदे पीण वाले पानी का प्रोजैक्ट तुसीं लैके आए हैं कदे सोचा नहीं सी जा सकदा, 125 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट आ जिहड़ा मेरे इलाके दे सारे पिंडां नूं साफ सुथरा पीण वाला पानी मिलेगा और जिहदी इलाके दे अंदर बहुत वड्डी चर्चा, अज मैनूं पटियाले तो भी कई फोन आए आ भी एडा वड्डा जिहड़ा प्रोजैक्ट तुसीं पास करा के लिया आए है। सो इहदे लई मैनूं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बड़ा जिहड़ा है साडा साथ दिता अते पंजाब सरकारियां दे पंजाब सरकार दे कई उच्च अधिकारी ने जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिता, ता जाके कई दिल्ली दे भी मेरे चक्कर लगे आ, ता जाके प्रोजैक्ट पास होया अते एक वरे दे अंदर अंदर ये जिहड़ा 125 करोड़ रुपया पूरे पिंडां च लग के पीण वाला पानी जिहड़ा दिता जाएगा, जिस तरीके दे नाल असीं राजपुरा शहर दे अंदर असीं देण लगे हां, होर भी बड़े विकास कम्मां दे जिहड़े होणगे। ते इत्थे पुराने राजपुरे दे अंदर एक साडी
जिमीदार जो साड़ी सोसाइटी है उन्हां दी जमीन पई है इत्थे। मैं पहला वड्डा स्टेडियम दी सारी 400 मीटर दा ट्रैक बनाना चाहुंदा सी पर ओह साडे कोल लैंड जिहड़ी विड़ता ओह घट गई आ, पर फिर भी वी आर ट्राइंग कि उत्थे स्टेडियम बने वधिया तरीके दे नाल। ओह भी मैं उहदा नक्शे वगैरह तैयार करा के उहनूं थोड़े समय तो बाद जिहड़ा सी उहदी शुरुआत असीं करांगे। कोई काम अधूरे नहीं छड्डांगे ते सारे काम जिहड़े हैगे ओह पहल दे आधार ते जिहड़े करा के देना दी कोशिश असीं करांगे। एक लगभग पुराने राजपुरे दियां जिन्नियां भी आउटर कलोनीज ਅਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੱਧਰ ਲੱਜੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵਿਦਇਨ 2-3 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਰਾ ਕੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਸੇ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਕੀ ਗਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਪਟੜੀ ਪਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਸੇ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਓ ਕੋ ਏਕ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕਾ ਕੁਛ ਬਨੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੀ ਸੁੱਧ ਕਿਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੀ ਥੀ, ਯੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਯਹਾਂ ਕੇ ਰਹਿਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ ਕਹਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੀਏ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਨਿਊਜ਼ 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।